मैंने तुझे कहा था ना बेटा कि तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार वो शादी नहीं पड़ जाए, तुम लोग मुंबई वापस आ जाओ तो बता देना सब। नहीं माँ, अब एक दिन भी और नहीं, बस अब एक दिन भी और नहीं। मैं नहीं कर सकती हूँ ये सब। आप यहाँ नहीं हो ना, आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है। सब मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं माँ, मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। आपको पता है राखी माँ अभी करण से इतना गुस्सा हो गई कि वो मेरा ख्याल नहीं रख रहा है, मुझे छोड़ के रजत के साथ खड़ा हुआ। इतनी सी बात पर राखी माँ करण से गुस्सा हो गई। महेश पापा, दादी, सब लोग इतने खुश हैं कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं नहीं माँ बनने वाली हूँ माँ, मैं क्यों नहीं बता देती उनको? राखी माँ मेरे लिए दूध ला रही है, पता हम केसर ये वो सब। मैं ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती हूँ। आपको पता है ना, करीना बुआ ने तो मुझे कभी से पसंद नहीं किया। वो भी मेरा ख्याल रख रही है, उन्हें भी मुझसे प्यार है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ माँ, मैं अभी नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लग रहा है मैं सबको धोखा दे रही, मैं किसी को धोखा दे देना चाहती हूँ। मुझसे नहीं होगा, मुझे पता चलेगा कि मुझे पता था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और मैंने सबसे ही बात छुपा के रखी, तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे माँ? मैं ऐसे नहीं कर सकती, अब कुछ नहीं होगा। माँ कुछ बोलो। कुछ नहीं होगा प्रीता, वो लोग बल्कि तुझे तुझे और संभालेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी तेरी फिक्र कर रहे? करण, उसके परिवार में सब लोग तुझे कितना प्यार करते हैं बेटा। मैं मानती हूँ कि करीना जी भी अब तुझे प्यार करने लग गई है, पर तू है ही ऐसी। तूने कितना मान दिया है उन लोगों को, कितना प्यार किया है, अपनी जान पर खेल गई है तू करण की जिंदगी बचाने के लिए। इतना कुछ किया उस परिवार के लिए, तभी तो इतना प्यार देते हैं वो तुझे। तुझे क्या लगता है वो तुझे इसलिए इतना प्यार दे रहे हैं, इसलिए तेरा इतना ख्याल रख रहे हैं कि तू मां बनने वाली? बेटा वो तुझे इतना प्यार करते हैं ना, इसीलिए तेरा ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि इस समय तुझे ज्यादा ध्यान की जरूरत है, ऐसा उन्हें लगता है। कुछ नहीं होगा, जैसे प्यार करते थे उससे ज्यादा प्यार करेंगे, क्योंकि अगर उन्हें दुख होगा ना तो वो ये जानते हैं कि उनसे बहुत ज्यादा दुख इस समय तुझे हो रहा है। और मैंने तुझे कहा था ना कि ये सब अभी भाग्य का खेल है। भगवान नहीं चाहते कि इस समय वो बच्चा, वो अरे सब बच्चा तेरी कोख में आए। बस कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छे लोगों के साथ भगवान इतना बुरा नहीं करते। मैंने बताया था ना तुझे मेरा बच्चा, इसीलिए बस दो चार दिन और रुक जा, मुंबई आएगी ना, उन्हें बता देना और देखना, वो लोग बल्कि तुझे संभालने लगे। किसी को भी इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि वो सब तुझसे प्यार करते। हेलो क्यों भगवान जी, क्यों इतना पूजा पाठ करती हूँ, कभी किसी का दिल नहीं दुखाती मेरी बच्ची, कभी किसी का दिल नहीं दुखाती, हमेशा सबसे अच्छा करती है, फिर उसके हाथों में खुशियां देकर ऐसे क्यों झेल लिया आपने? रीता वो क्या हुआ, लग गई क्या, चोट लग गई क्या? रियली सॉरी, क्या हुआ, मैंने कुछ किया क्या? आई एम रियली सॉरी, वो गलती से लग गई, मैंने जानबूझ के नहीं किया। इतनी ज्यादा लग गई कि तुम इतना रो रही हो? रियली सॉरी। नो करण, प्लीज, आई एम सॉरी। नो, आई एम सॉरी। मैं कितना बेवकूफ हूं ना, प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, हमेशा कोई ना कोई चोट दे देता। रियली सॉरी। देखो आज माफ कर दो, आज के बाद मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे तुम्हें कोई तकलीफ हो, कभी नहीं करूंगा, बस आज माफी दे दो, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अच्छा प्रॉमिस, जब हमारा बेबी होगा ना, उसका भी ख्याल मैं रखूंगा, आपको उसके डायपर भी चेंज कर दूंगा, तुम्हें सोने दूंगा, तुम्हारी नींद भी खराब नहीं करूंगा, और उसे गार्डन पे भी ले जाऊंगा, गोद में उठा के इवनिंग हो मॉर्निंग हो सब कुछ। और या
कैप्टन को फुटबॉल भी सिखाऊंगा। कैप्टन इसलिए क्योंकि हमारी टीम का पहला मेंबर है ना, तो कैप्टन होगा। अभी 10 आने बाकी हैं। बस बस का कोई कैप्टन नहीं यार। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरी कोख खाली है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। कर तुम विश्वास नहीं करोगी कि इस वक्त मेरे हाथ में क्या है। डोंट टेल मी प्रीता जी की रिपोर्ट तुम्हारे हाथ में। हॉस्पिटल से तुम्हें प्रीता जी की रिपोर्ट मिल गई क्या? उसमें लिखा है क्या प्रीता जी प्रेग्नेंट नहीं? मुझे तो ऑलरेडी पता है कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है। ये तो मैं सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए चेक कर रही हूं। हाँ तो जल्दी करो, मुझसे वेट नहीं होगा। जल्दी ओपन करो और बताओ मुझे कि उसमें लिखा है कि प्रीता जी प्रेग्नेंट नहीं है। जल्दी तुम चुप रहना, कितना बोलते हो। ओके मैं चुप रहता हूँ, तुम जल्दी ओपन करो और बताओ मुझे। वो थोड़ी सी फट भी गई, इतनी गीली जो हो गई है। बेबी क्या हुआ? अरे मेरा पीपा, भाई भैया रुको। मेरा ना दिन ही खराब है। पहले वो गंदा पानी, अब ये कीचड़। छोड़न, अगर वो रिपोर्ट देखनी है और घर वालों को दिखानी है तो उठानी तो पड़ेगी। किसने खराब किए तुम्हारे कपड़े? हो क्या रहे वहां पर? कुछ तो अपडेट दो, कुछ तो बताओ। हेलो हेलो हेलो, अरे यार रवि जी, चलता रहता है पति पत्नी में तो दूध मैं होती रहती है ना। लेकिन नहीं होनी चाहिए ना अचला जी। जब बच्चों के बीच में लड़ाई होती है तो बात समझ में आती है, क्योंकि दोनों बराबरी की लड़ते हैं, दोस्त होके लड़ते हैं। लेकिन जब पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है और बहस होती है, वो बात ठीक नहीं है। किसी एक की वजह से किसी दूसरे की आंखों में आंसू आए, ये तो बहुत गलत बात है। वैसे लगता नहीं कि आंसू आने वाली कोई बात है। मुझे लगता है जरूर कोई और बात है। नहीं, मैंने देखा था करण को प्रीता के कान में कुछ कहते हुए और फिर प्रीता रोते हुए भाग गई ऊपर। हाँ हो सकता है, लेकिन ये बात उन दोनों के बीच की है। अचला जी, मैंने अपने दोनों बच्चों को बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्हें सिखाया है कि जैसी इज्जत वो अपनी माँ की करते हैं, वैसी ही इज्जत अपनी पत्नी की भी करें, क्योंकि आगे चल के उनकी पत्नी उनके होने वाले बच्चों की मां जो बनने वाली होती है। जब वो ऐसी कोई बात ही नहीं कर सकते जिससे उनकी मां का दिल दुखे, तो भला पत्नी के साथ ऐसी बात कैसे कर सकते हैं जिससे उसका दिल दुखे? ये बहुत गलत है। अब राखी आंटी, हो सकता है कि कोई और बात हो सकता कोई है भी बात हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि मेरी बहू के आंखों में आंसू थे, अब
माँ होने के नाते मैं यहाँ खड़ी खड़ी ये तो नहीं सोच सकती ना कि प्रीता की आंखों में आंसू क्यों आए। वो माँ बनने वाली है, इस कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। मैं जाके ऊपर देखती हूँ कि आखिर बात क्या है। मैंने राखी जी जैसी सास कभी नहीं देखी। वो सास से कई ज्यादा माँ है जो बहू से बेटी जितना प्यार करती है। साड़ी प्रीता जैसी भी आपने कोई नहीं देखी होगी। बिल्कुल सही कह रही, प्रीता जैसी भी कोई नहीं। हाय, आई विश मैं भी प्रीता जैसी बनूं और मेरी सास भी मुझसे उतना ही प्यार करे जितना राखी आंटी प्रीता से करती है। डोंट वरी, जब तुम लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन में रहोगी ना तो मेरी मम्मी तुम्हारा ऐसे ही ख्याल रखेंगी। Oh my God, मुझे किसी की ताकत ना लगे। एक मिनट, तुम मानती हो इन बातों में? नहीं एग्जैक्टली तो नहीं मानती, बट क्या पता असर हो जाए। How sweet. फिर तो ये काले टीके से काम नहीं चलेगा। I have something for you. आई, अभी आई, अभी आई। मॉम, हाँ, आप कहाँ जा रही हैं? राखी को रोकने। राखी को लगता है कि करण ने प्रीता को अपसेट कर दिया। प्रीता प्रेग्नेंट है इसलिए वो फिकर करती है, लेकिन करण ऐसा है ही नहीं। वो अपने बच्चे से प्यार करता है, प्रीता से प्यार करता है, वो ऐसा क्यों करेगा? मैं आती हूँ। मैम आपकी ये कंडीशन कैसे हुई? वेटर नैपकिन लेके आओ जल्दी। शर्लिन, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं बुआ, वो मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। यू कि नैपकिन से कुछ नहीं होगा, अगर ठीक करना है तो वो जो कीचड़ है तुम्हारे विला के बाहर वो ठीक करो। I'm so sorry, ma'am. I'll do that. बुआ मैं सीन करके आती हूँ। जीवी में लड़की खुद कह रही है कि वो गिर गई। नाइस जोक। मैं कितनी ये बार बार अकीर न अकीर गिरे जब चूर हो जाए मेरे पले से। क्या हुआ? किस बात पे इतनी हंसी आ रही? नहीं नहीं बताओ मुझे, अभी जो हुआ उसमें हंसने वाली कौन सी बात? नहीं नहीं करीना मैम, वो इस बात पे नहीं हंस रहे हैं। वो एक्चुअली जानकी आंटी ने ना कोई जोक मारा था तो वो जोक सुन के थोड़ी सी हंसी आ गई। रियली? ऐसा कौन सा जोक सुनाया तुमने? मुझे भी सुना। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जोक सुनाओ। जानकी आंटी सुना दीजिए ना जो अभी आपने जोक मारा था। नहीं, मैं कह रही थी कि ना करीना जी का स्वभाव बड़ा ही हसमुख है और उनका ना चेहरा जो है ना बड़ा हसमुखती है, ऐसा लगता है जैसे वो हंस रही है। मैंने कहा था ना आपको, आपको बुरा लगेगा। मैंने भी बहुत बुरा लगा, मैं पानी पी के आती। हाँ जी मजाक कर रही हूँ ना? नहीं करण, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मजाक तो मेरे साथ हुआ है। तारी माँ को बुलाया था, उन्होंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जुड़वा बच्चे है। प्रेग्नेंसी किट में हमने टेस्ट किया था ना, मैं पॉजिटिव आई थी। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई उसने मेरे मल्टीपल टेस्ट कराए और सारी रिपोर्ट्स ये प्रूफ कर रही हैं कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। किसी भी टेस्ट में प्रेग्नेंट नहीं आई। डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम किसी भी टेस्ट में प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तुम्हें किसने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो? और इतना ही नहीं, डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मैं कभी मां नहीं बन सकती, मैं कभी मां नहीं बन सकती। I'm sorry.
मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहती थी। मैं क्लिनिक से घर आई तो मैं तुम्हें ढूंढ रही थी तुम्हें बताने के लिए, लेकिन तुम मुझे देखे नहीं। बस के बाहर देखे तुमने मुझे इतनी टाइटली हग किया, तुम इतने खुश थे। मैं बोलना चाहती थी, मेरी ज़बान ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं सबको बता देना चाहती थी, मैं उसी टाइम बता में किसी से नहीं छुपाना चाहती थी। लेकिन बस में जब मैं बोलने के लिए ये बात खड़ी हुई तो याद है महेश पापा कितना गुस्से में आ गए, ड्राइवर को इतनी जोर से डांटने लगे, सब लोग मेरा ख्याल रखने लगे, मुझे पकड़ पकड़ के बिठा दिया। मैं कैसे ये बात बताकर सबके खुशियां छीन लेती, सब लोग कितने खुश थे। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पहुंच के मैं तुम्हें सबसे पहले बताऊंगी, क्योंकि तुम्हें जानने का पूरा हक है, और मैं फिर भी नहीं बता पाई। तुम भी इतने खुश थे और ये माहौल घर में, मैं बस बता ही नहीं पाई। मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं सच छुपाना नहीं चाहती थी, पर मैं बस बता ही नहीं पाई, मुझे कोई मौका नहीं मिला। अब और नहीं, सब लोग मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, मेरी इतनी चिंता कर रहे हो, तुम मेरी इतनी चिंता कर रहे हो, मेरा इतना ख्याल रख रहे हो करण, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये सब डिजर्व नहीं करती, मैं सबको धोखा दे रही हूँ, मैं धोखा नहीं देना चाहती, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती। सारी टेंशन मुझे मिल गई। रोहन, I was jealous. क्यों सारा प्यार तुम्हारा उसी को मिलेगा? तुम उससे कम प्यार क्या करोगे? लेकिन अब ऐसा कोई नहीं। You love me more. एक काम करते हो, पालना है ना, उसको थोड़ा बड़ा करते हैं। कहीं करण फिर से पहले जैसे तो नहीं हो गया ना? उसे पता है प्रीता प्रेग्नेंट है और इस हालत में उसे हर्ट नहीं करना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा कि दरवाजा भी बंद है, इसका मतलब दोनों के बीच में जरूर लड़ाई हो रही है, बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है, इसलिए तो दरवाजा बंद किया। नहीं, मुझे जाना पड़ेगा अंदर। राखी पुत्र एक मिनट रुक जा। वो मामी जी क्या कर रही है तू? उत्तर, दरवाजा बंद है, पति पत्नी अंदर बैठे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तेरा जाना ठीक नहीं है पुत्र। मामी जी मैं जानती हूँ मेरा जाना ठीक नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है, और झगड़ा बढ़ गया तो ठीक नहीं होगा मामी जी। पर कुछ नहीं होगा, पति पत्नी की बात चल रही है ना, बंद दरवाजे में कई बातें होती हैं, शायद वो उसे मना रहा होगा। मामी जी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। घबरा मत, मुझे पता है तुझे घबराहट क्यों हो रही है। तुझे लग रहा है कि ये झगड़ा बढ़ के बहुत ज्यादा ना हो जाए, लेकिन पुत्र ऐसा भी हो सकता है कि उनमें झगड़ा ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि करण ने कुछ ऐसी बात बोल दी हो कि वो अपसेट हो गई हो और वो भाग गई ऊपर कमरे में, पीछे पीछे करण गया उसे मनाने के लिए। मम्मी जी क्या पता उसे मना रहा है या फिर गुस्सा दिला रहा है। राखी तू ना उन दोनों के बीच बीच में, मम्मी जी बच्चा है,
इसलिए मुझे ज्यादा टेंशन हो रही है, प्रीता माँ बनने वाली है और इस हालत में अगर करण उसे डांट रहा है तो वो ठीक नहीं है। देख मुझे पता है कि तुझे बहुत फिक्र है बच्चे की, मुझे भी फिक्र है पुत्र, लेकिन इस वक्त प्रीता कमरे में है, करण उसके साथ है, वो उस बच्चे का बाप है, उसका ख्याल रखेगा, और ऐसे छोटे मोटे झगड़े ना बच्चे पे इफेक्ट नहीं करते हैं। तू क्यों टेंशन कर रही है? मम्मी जी मैं बस एक बार अंदर चली जाऊं, नहीं अपनी आंखों से देखूं कि सब कुछ ठीक है, उसके बाद मुझे तसल्ली हो जाएगी, और अगर उन्होंने कुछ कह दिया ना तो मैं ये कहूंगी कि गलती से आ गई, बस एक बार अपने मन की तसल्ली कर लूं कि उन दोनों के बीच में कुछ ज्यादा लड़ाई नहीं हो रही है। ना पुत्र सब ठीक है अंदर, तू टेंशन मत कर, तू चल चल। दिल बहुत घबरा रहा है मम्मी जी। चल नीचे तुम ना। मुझे बच्चे की तरह प्यार कर।